हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो भी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे और आज का भी सेशन हमारा स्पोर्ट का होगा। क्योंकि फ्रेंड, हमने देखा है कि रेलवे है और भी एग्जाम में देखा है कि स्पोर्ट्स सेक्शन से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप सेशन को एंड तक जरूर देखें और सेशन के एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। यदि आपको आज का सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अभी टीम इंडिया के किस स्टार तेज गेंदबाज ने सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है उमेश यादव, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी शार्दुल ठाकुर, ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। तो फ्रेंड, इन चारों गेंदबाजों में से कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। अभी भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच चल रहा था, जिसके आखिरी दिन यानी कि 6 सितंबर को सोमवार को ये जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाड़ी ओली पोप को आउट करके अपना 100वां विकेट हासिल किया है। और इन्होंने कितने मैचों में 100 विकेट हासिल किए हैं? टोटल 24 मैचों में 100 विकेट लिए हैं, 100 विकेट लिए हैं। और देखिए, ओली पोप को आउट करने के तुरंत बाद इन्होंने इंग्लैंड के ही क्रिकेटर जॉनी बेयरस्टो को 0 पर आउट करके पूरे क्रिकेट का माहौल ही बदल दिया है। और देखिए फ्रेंड, टेस्ट क्रिकेट में पहले यह रिकॉर्ड किनके पास था? देखिए, पहले बात तो जसप्रीत बुमराह 24 मैचों में यह रिकॉर्ड हासिल किए हैं, और देखिए इनके पहले यह रिकॉर्ड कपिल देव के पास था, इन्होंने 25 मैचों में 100 विकेट लिए थे। और फिर तीसरे नंबर पे इरफान पठान 28 मैचों में, और चौथे मोहम्मद शमी 29 मैचों में, और जवांगल श्रीनाथ 30 मैचों में, और ईशांत शर्मा छठवें नंबर पे हैं, ईशांत शर्मा इन्होंने 33 मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड हासिल किए थे टेस्ट क्रिकेट मैच में। और देखिए, चौथे टेस्ट मैच के आखिरी दिन उमेश यादव ने 3 विकेट लिए थे, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा इन तीनों ने 2-2 विकेट लिए थे ओवल मैदान में। और देखिए, ओवल मैदान में यह 50 सालों के बाद ऐतिहासिक जीत है। देखिए, इससे पहले 1971 में ओवल मैदान में जीत हासिल किए थे, ओवल मैदान में। यह क्रिकेट कहाँ हो रहा था? ओवल मैदान में हो रहा था। और देखिए, अभी जसप्रीत बुमराह को ICC द्वारा बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, और रोहित शर्मा को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए नामित किया गया है। देखिए, बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए जसप्रीत बुमराह के अलावा 2 और क्रिकेटर को नॉमिनेट किया गया था। एक है इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट कप्तान जो रूट को नॉमिनेट किया गया है, और दूसरे हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी। इन दोनों खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है। देखिए, इनको किस लिए नॉमिनेट किया गया है? इन्होंने तीनों टेस्ट मैच में शतक लगाया है, और ये शाहीन शाह अफरीदी इन्होंने 2 टेस्ट मैचों में 18 विकेट लिए थे, और इन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे। और ये यह कमाल करने वाले पाकिस्तान के ये सबसे युवा चौथे बल्लेबाज हैं। और देखिए, बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए महिला कैटेगरी में किनको चुना गया है? महिला कैटेगरी में 3 लोगों को चुना गया है। एक है थाईलैंड की महिला क्रिकेटर हैं, उनका नाम क्या है? नात्या बूजा थाम, इन्हें चुना गया है।
और दूसरे हैं आयरलैंड की हैं, आयरलैंड आयरलैंड की दो महिला खिलाड़ी हैं, एक है गैबी लुइस, गैबी लुइस, और दूसरी हैं ये एमियर, एमियर रिचर्डसन, एमियर रिचर्डसन। इन तीनों को चुना गया है महिला कैटेगरी में। देखिए नात्या बूजाथाम को क्यों चुना गया है, इन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा कमाल किया है, जिनकी वजह से थाईलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई है, यानी 2-1 से जीत हासिल की है। और देखिए गैबी लुइस और एमियर रिचर्डसन के अच्छे प्रदर्शन के कारण ये आयरलैंड भी T20 विश्व कप में यूरोप क्वालिफायर में 4 मैचों में 3 मैच जीत हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है 111 गोल, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 109 और ऑप्शन डी 108 गोल। तो कितने गोल के साथ अभी ये सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 110 गोल के साथ ये सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी 36 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने विश्व कप क्वालिफाइंग मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल दाग कर यह उपलब्धि हासिल की है। और देखिए जब इन्होंने 110वां गोल किया है, तभी ये ईरान के फुटबॉलर है अली देई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अली देई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 110वां गोल में। इनका अब तक 118 मैचों में 111 गोल हो गए हैं, 111 गोल हो गए हैं। और देखिए अली देई ये 15 साल है पहले 2006 में 149 मैचों में 109 गोल दागे थे। और इनके 15 सालों का रिकॉर्ड अभी ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ऑप्शन ए रिकी पोंटिंग, ऑप्शन बी जैक कैरिस, ऑप्शन सी संगकारा, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो इन चारों क्रिकेटरों में से कौन है जिन्होंने अभी यह रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। इन्हें इस रिकॉर्ड के लिए केवल 1 रन की जरूरत थी, जिसे अभी इंग्लैंड के खिलाफ 4थे टेस्ट क्रिकेट के अंतिम दिन यानी कि सोमवार 6 सितंबर को यह रिकॉर्ड हासिल किया है। तो अब देखते हैं इनसे पहले और कौन क्रिकेटर ने यह रिकॉर्ड हासिल किया है। देखिए विराट कोहली ने तो 490 पारियों में 23,000 रन बनाया है, और देखिए इनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने, ये भारत के खिलाड़ी हैं, 522 पारियों में यह रिकॉर्ड हासिल किया। और तीसरे नंबर पे रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, ये 544 पारियों में। जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका के हैं, 551 पारियों में 23,000 रन बनाए। और संगकारा ये श्रीलंका के हैं, 568 पारियों में। और राहुल द्रविड़ ये भारत के हैं, ये 576 पारियों में। और देखिए 7वें नंबर पे एम जयवर्धने ये श्रीलंका के हैं, इन्होंने 645 पारियों में 23,000 रन बनाए हैं। तो अब तक यह रिकॉर्ड 7 लोगों के पास है। और देखिए विराट कोहली, इनके तीनों फॉर्मेट में 50 से अधिक का औसत रहा है, और इनके टेस्ट मैच में कितना है, टेस्ट मैच में इनका टोटल रन है 2177 रन है, और वनडे में है 12,169 रन, और टी20 में कितना है, टी20 फॉर्मेट में इनका टोटल रन है
3169 इतना रन है। और देखिए ओवल मैच के जीतने के बाद भारत ने बहुत सारे रिकॉर्ड हासिल किए हैं, जैसे विराट कोहली हैं, इन्होंने सेना देशों में सबसे अधिक टेस्ट क्रिकेट मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। देखिए सेना देश क्या है, सेना देश इसमें चार देश हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों में सबसे अधिक टेस्ट क्रिकेट जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। इनसे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मियांदा और अकरम ने यह हासिल किया था रिकॉर्ड, चार चार मैच जीतकर। और भारत की तरफ से ये हमारे एमएस धोनी, पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने सेना देशों में 3 मैच जीते हैं अब तक, 3 मैच। तो चलिए फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक। फ्रेंड आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो भी बताना, और अगर इसमें कुछ कमियां हो तो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय।